हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है सबका इन्फोबैट चैनल में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका बेयर। स्वागत कर रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक पॉलीमर शेयर के बारे में। ये एक पेनी स्टॉक है दोस्तों, स्मॉल कैप इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। हमारे एक फॉलोअर की रिक्वेस्ट पे हम लोग ये वीडियो और इस स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं। आप जानते हो दोस्तों, ये जो मॉलिक्यूल्स चीज़ें होती हैं, या फिर मैं कहूँ ये पॉलीमर जो चीज़ होती है, छोटे छोटे जो आपको भी जो डिस्प्ले पिक्चर्स पर देख रहे हो कि छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े बने हुए हैं, इसे पॉलीमर्स कहा जाता है। ये वो चीज़ होती है दोस्तों जो पीवीसी पाइप बनाने के लिए या फिर प्लास्टिक के बड़े बड़े बैग्स बनाने के लिए यूज़ की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इन बड़े बड़े प्रोडक्ट्स के लिए। और इस इंडस्ट्री से जिसकी हम लोग आज बात करने वाले हैं, कल्पना इंडस्ट्री, ये बेसिकली ये प्रोडक्ट बनाती हैं। तो शुरू करेंगे कंपनी के वेबसाइट से, फिर धीरे धीरे मार्केट को समझेंगे, कंपनी के वैल्यूएशन को समझेंगे, स्टॉक्स को समझेंगे और चार्ट एनालिसिस करके इसका हम लोग एंड करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए, समझ आए खास करके, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल पे ज़रूर क्लिक करना, ताकि जब भी हम लोग कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल सके। अब दोस्तों शुरू करते हैं। पहले चलते हैं कंपनी की वेबसाइट पे, देखते हैं क्या कंपनी की वेबसाइट है, किस तरह का बिजनेस है। जैसे मैंने कहा दोस्तों, ये एक पॉलीमर इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये लगभग 1977 से ये बिजनेस में है। कोलकाता बेस्ड कंपनी है और यहाँ पर आप देख सकते हो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं ये इंडिया में। किस चीज़ के? तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड के, जिसे पीवीसी पाइप या पीवीसी की सारी जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे बनते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये तीन इनके बेसिक प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो यूज़ होती है। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं, ये स्टॉक बीएससी पे रजिस्टर्ड है, स्टॉक एनएससी पे रजिस्टर्ड नहीं है। आज की ट्रेडेड क्वांटिटी थी दोस्तों लगभग 10,000 स्टॉक्स ट्रेड हुए थे, जिसमें से 7,000 की डिलीवरी ली गई थी, जो 72% के आसपास निकल करके आती है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों, बहुत इंप्रेसिव नंबर है। आप यहाँ पर देख सकते हो फाइनेंशियली ये जो है वो ट्रेंड पॉजिटिव दिखा रहा है, यानी कंपनी कहीं ना कहीं फाइनेंशियली अच्छी दिखाई दे रही है, ग्रो कर रही है। यहाँ पर एक क्विक रिव्यू आप देख सकते हो, यहाँ पर रेवेन्यू आपको दिखेगा ग्रो करता हुआ, साथ ही साथ में इनका ईपीएस भी ग्रो कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है दोस्तों पेनी स्टॉक्स में, अगर वो कंपनी ग्रो कर रही है। क्यों, ये मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताने वाला हूँ। अभी दोस्तों देखिएगा, मैं टिकर टेप पर लेकर के आया हूँ। यहाँ पर 45.45 है ये स्टॉक एंड हुआ था। यहाँ पर देखिए इंट्रेंसिक वैल्यू का अभी यहाँ पर कुछ बातें बोली नहीं जा सकती, लेकिन इसका रिटर्न ऑन इक्विटी एफडी से अच्छा नहीं है। डिविडेंड रे ये डिविडेंड जो देता है वो उतना इंप्रेसिव नहीं है, या फिर एंट्री पॉइंट फिलहाल बहुत अच्छा है। यहाँ पर कोई फ्लैग नहीं है, कंपनी फिलहाल कोई प्रॉब्लम्स में दिखाई नहीं देती है। प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाती है दोस्तों, स्मॉल कैप है, लगभग 450 करोड़ की कंपनी है, हाई रिस्क है। मोस्टली दोस्तों जो पेनी स्टॉक्स होते हैं वो जनरली हाई रिस्क पे ही ट्रेड होते हैं, क्योंकि ये स्टॉक ऐसे कभी भी कंपनी अगर बंद हो जाती है तो पूरा का पूरा इक्विटी जो है वो डूब सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल अभी उत्तम वैल्यू स्टील करके कंपनी थी, वो भी इसी तरह अनलिस्ट हो गई और जितना भी इक्विटी उस स्टॉक में था पूरा का पूरा डूब चुका है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, एक दिन का रिटर्न हमें दिख रहा है 2.5%, एक वीक के पर चले जाते हैं तो दोस्तों 2% प्लस में आ जाते हैं, मंथली हम लोग वापस से माइनस में चले जाते हैं, लेकिन अगर ईयरली देखें तो लगभग पैसा डबल हो चुका है दोस्तों। तो यही खासियत होती है, एक लंबे समय अगर आप कोई स्टॉक होल्ड कर देते हो, और खास करके जब स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा इक्विटी दे रहा है, अच्छा ईपीएस दे रहा है, तो ऐसे स्टॉक को आप लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हो। आप पी देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 18 है, 18-40 है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि 20 के नीचे अगर पी हो तो स्टॉक में आप इंटरेस्ट दिखा सकते हो, स्टॉक को खरीद सकते हो। तो पहला मेरा रूल पॉइंट यही है कि भाई यहाँ पर आप स्टॉक को खरीद सकते हो। होल्डिंग हम लोग एक देख लेते हैं, फाइनेंशियल्स के लिए अलग इस पे चलेंगे हम लोग। देखिए होल्डिंग है 75% प्रमोटर के पास, म्यूचुअल फंड, डीआईआई और एफआईआई, ये तीनों भी इस स्टॉक में दिखाई नहीं देते, और ये तीनों भी जनरली पेनी स्टॉक्स में दिखाई नहीं देते हैं, बहुत रेयरली दिखाई देते हैं। यहाँ पर रिटेल और इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो होते हैं वो दिखाई दे रहे हैं।
जहां पर मैं अगर आपको लेकर के आता हूं दोस्तों नंबर समझने के लिए, तो 450 करोड़ की कंपनी है, कम से कम 150 करोड़ का डेट है। तो 450 के मुकाबले 150 करोड़ का डेट जो है वो कंसिडरेबल डेट होता है। यहाँ पर देखिए 5 रुपये का EPS है, 3 साल से इसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है, लेकिन सेल्स नहीं बढ़ पा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि 3 साल से हम सारे इंडस्ट्रीज के जो प्रॉब्लम्स है वो सब सेम ही है। कोरोना चल रहा था, बिजनेस स्लो डाउन है, और अभी भी देख रहे हो काफ़ी जगह पे एक्सपोर्ट से रिलेटेड इश्यूज अभी भी चालू हैं। तो इसे रिकवर होने में थोड़ा टाइम लग सकता है सिचुएशन से बाहर आने के लिए। बट मीनवाइल बुक वैल्यू काफ़ी अच्छी चल रही है, कंपनी का जो रिजल्ट है, रिपोर्ट्स है, वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ पुअर है मान सकते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है, या फिर डिविडेंड पे आउट रेशियो नहीं है। ये पेनी स्टॉक है, यहाँ से आप ज़्यादा डिविडेंड की उम्मीद भी नहीं लगा सकते। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर डेट है तो कॉस्ट ऑफ द कंपनी डेफिनेटली ज़्यादा ही होगा। यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा नीचे अगर चीज़ें समझना है दोस्तों, तो ईयर वाइज देखिएगा 2019 से इनका सेल्स जो है वो हल्का हल्का कम हो रहा था, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं 2 साल से पूरा सिस्टम ही डाउन था। बट अभी अगर 12 महीने की बात करें तो डेफिनेटली इन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है। 2,100 के ऊपर ये ऑलरेडी अपना बिजनेस ले जा चुके हैं, और यहाँ पर देखिए एक्सपेंस भी नियर बाय उतना ही है, तो 100 करोड़ का ओवरऑल प्रॉफिट इनका हमें दिखाई दे सकता है। आप देख रहे हो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे EPS के बारे में बात करें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा EPS इनका रहा है लगभग 5.44, जो अगर हम लोग 2018 से भी अगर चेक करें तो डेफिनेटली वो बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। सेल्स की बात करें, पिछले 10 साल से 6% प्लस भी चल रहा था, 5 साल -4, 3 साल -4, लेकिन पिछले 12 महीने में ये 47% का सेल्स ग्रोथ दिखा चुका है, 95% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखा चुका है, 1 साल में प्राइस डबल से ज़्यादा हो गया है, यानी मल्टीबैगर ऑलरेडी बन चुका है, और इक्विटी भी जो है वो अच्छा खासा 8% से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ओवर एंड ऑल इसको बोल सकते हैं दोस्तों कि एक बढ़िया यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखा रहा है कंपनी, सेल्स ग्रो हो रहा है, प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, EPS ग्रो हो रहा है, कंसिडरेबल यहाँ पर ग्रोथ दिखाई दे रहा है, साथ में इन्वेस्टर भी जगह पर बैठे हुए हैं। हाँ डेट ज़रूर है, बिल्कुल कोई इसमें डाउट नहीं कि डेट ज़रूर है, बट अगर हम लोग इसमें और थोड़ा डीप में जाने की कोशिश करें ना दोस्तों, तो हमें पता चल सकता है कि क्या डेट की रीपेमेंट हो रही है, क्या कहाँ पर पैसा जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है। तो कैश फ्लो में आप वो चीज़ें भी और थोड़े डिटेल में जाकर के हम लोग इस यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर फिक्स असेट सोल्ड है, आप देख सकते हो 4.73 का इन्वेस्टमेंट परचेस है, माइनस यहाँ पर इन्वेस्टमेंट परचेस नहीं की हुई है। तो ये वो कैटेगरी है, ये वो जोन है दोस्तों, जहाँ पर आप बड़ी बड़ी कंपनी के नंबर देख सकते हो, जो जितने भी असेट्स बनी हुई है वो बेच करके अपने लोन पे कर सकते हैं। बट छोटी कंपनीज में ये सिस्टम अभी नहीं होता है, क्योंकि छोटी सी कंपनी है, कैपिटल लिमिटेड है, तो इन्वेस्ट तो दूर की बात है, उनके अपने बिजनेस के लिए फंड्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है। कंपनी बेहतरीन है, ग्रो कर रही है, सेल्स ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, EPS ग्रो कर रहा है, तो आप इसको एक लंबे समय के लिए डेफिनेटली होल्ड कर सकते हो। अब मैं एक शॉर्ट टर्म के लिए आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है ना, स्टॉक ने ज़्यादातर टाइम जो है ये ब्लू लाइन पे मेंटेन किया है, आप देख सकते हो यहाँ पर 47.50 पे, ये ज़्यादातर टाइम जब यहाँ से जो है वो जंप कर गया, 42 से जब ये जंप किया तो ज़्यादातर टाइम इसने 47.50 के आसपास स्पेंड किया हुआ है। जहाँ पर हम लोग देख सकते हैं RSI बढ़कर के 48 के बाद हल्की सी गिरावट दिखाई दे रही है। ये स्टॉक अगर दोस्तों इसी तरह से गिरेगा तो ये आ जाएगा 42 के आसपास, जो मेजर सपोर्ट होता है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये लगभग है 2018 का नंबर, यहाँ पर अगर स्टॉक मेंटेन कर लेता है खुद को तो ये यहाँ से ऊपर ही जाएगा, लेकिन अगर यहाँ से गिर जाता है दोस्तों तो स्टॉक के लिए मुश्किलें हो सकती है, स्टॉक गिर सकता है। ये लगभग 10 से 15 पॉइंट से यहाँ पर आप गिरावट की उम्मीद रख सकते हो स्टॉक के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से ये अभी जंप कर चुका है, एक सपोर्ट की जैसे बात हुई थी, इसने सपोर्ट ले लिया है, और अगर ये अपना जो रेसिस्टेंस है जो 47.50 पे है, इसको अगर क्रॉस कर जाता है तो ये क्रॉस कर जाएगा अपना 44 का जो मूविंग एवरेज होता है, और ये इसको अगर क्रॉस कर जाता है दोस्तों तो ये अच्छे खासे लेवल जैसे 52, 55, 57 के लेवल्स भी आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। मेरा सजेशन है स्टॉक में बने रहिएगा, लंबे समय के लिए अगर आप इसको होल्ड करेंगे तो इस स्टॉक में डेफिनेटली आपको फायदा हो सकता है,
बट यहाँ पर आपको बाइंग स्लॉट वाइज करनी है, जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, ताकि प्राइस एवरेज होती रहे और आपका प्रॉफिट जो है वो मल्टीप्लाई होता रहे। ठीक है दोस्तों, ये था वीडियो कल्पना इंडस्ट्रीज के बारे में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल का नाम है दोस्तों इन्फोबेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।